मेले तक जाने के लिए है दो रास्ते, एक है यहाँ से और एक है ऊपर से। फिलहाल तो हम इस वाले घर में जाएंगे, खाना पीना करेंगे और वहाँ पहाड़ों की चोटियों पर पड़ चुकी है बर्फ। देखो कितना सुंदर लग रहा है बर्फ वाला पहाड़। यहाँ पर है हमारे रिश्तेदारों का घर। यहाँ पर देखो कितने पुराने पुराने घर है और बीच में है नया घर। ये एक ही परिवार के हैं शायद से। इनके घर के पीछे है दो टावर जहाँ से हमारे गांव के लिए नेटवर्क आता है, मगर पहनाला में सिग्नल थोड़ा सा वीक है क्योंकि वो बहुत ही डाउन में है। मैं और छाया आए हुए हैं यहाँ पर इनका बगीचा देखने। सेब का, सेब तो नहीं है, खाली टहनियाँ ही रह गई हैं। जनाहल गांव से बहुत ही अच्छा व्यू आता है हमारे एरिया का। नीचे वाले घर में है एक डॉगी, इनका ही है ये। इसको अभी बांध के रख रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद और भी मेहमान आएंगे, आज मेला है इसलिए, ताकि ये काटे ना किसी को, इसलिए इसे बांध रहे हैं। हमारे लिए आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, तो हम लेते हैं चाय का मज़ा, तो साथ में लेते हैं हम गरम गरम खाने का भी मज़ा। तो फटाफट खा लेते हैं हम खाना भी। हमारा खाना पीना हो गया है, अब हम जाते हैं मेले की ओर। तो मेला है यहाँ से डाउन में थोड़ा सा, वो गांव नीचे को पड़ता है। हम पहुँच चुके हैं ऊपर जनाहल की चोटी के ऊपर, अब जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर भी है इनका एक घर और यहाँ पर रखे हुए हैं सेब। तो छाया जा रही है सेब लाने। यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत सारे सेब, तो छाया फटाफट बैग में डाल रही है और इसने खाना भी शुरू कर ही दिया है। अब जाना है हमें यहाँ से नीचे की ओर, तो वहाँ से डाउन है थोड़ा सा। मम्मी और मासी जी भी हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पर, वो थोड़ा आगे निकल गए। इस पहाड़ के पीछे है छुआरा गांव जहां से हम उस दिन पैदल आए थे नाले तक। फिलहाल तो हमें इस वाले गांव में जाना है जहां पर मेला लगा हुआ है, तो चलते हैं हम फटाफट।
पिछली बार जब हम आए थे तो हम नीचे से ऊपर की ओर आए थे रोड से, तो इस बार हम उल्टा आए हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं हम। बाद में जाएंगे हम रोड से ही पैदल। मुझे लगता है ये जायरू पानी है, इसे इकट्ठा किया गया है ताकि आसानी से सभी जानवर पी सके। यहाँ से गांव भी दिखने लग गया है, वहाँ नीचे की ओर जाना है हमें। वहाँ पर थोड़ा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा खराब है तो हमें संभल कर जाना होगा। हम मंदिर के करीब तो पहुँचने ही वाले हैं, तो फटाफट जाते हैं हम। मुझे लगता है वहाँ ग्राउंड में देवता का रथ भी है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैंने ये मंदिर पहली बार देखा। यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ। वहाँ पीछे की तरफ हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाटी का प्रोग्राम अभी अभी शुरू हुआ है। जब हम ऊपर से आ रहे थे तो देवता भी यहाँ पर उसी टाइम लाया जा रहा था, तो हम फटाफट यहाँ पर देवता का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर हम भी बैठेंगे नाटी देखने। हम बारी बारी देवता का आशीर्वाद लेंगे। पहले जाएंगे मम्मी और छाया, उसके बाद में और मासी जी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामान भी है तो कुछ आदमी उस्मान के पास भी होना चाहिए। तो अब है हमारी बारी, अब हम जाएंगे मैं और मासी जी। यहाँ पर है देवता वीरना जी का रथ। तो फिलहाल यहाँ पर धूप चली गई है और ऊपर देखो कितना घना जंगल है। धूप तो है मगर यहाँ पर नहीं है, दूसरे पहाड़ पर चली गई है। वहाँ पर देखो उस पहाड़ पर चली गई है धूप। जब नाटी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे हम गांव में। उसके बाद जब रात हो जाएगी तो स्टेज पर प्रोग्राम भी शुरू होगा, नाइट प्रोग्राम। अभी तक तो लोग ही नाच रहे थे, अब लोगों के साथ साथ देवता भी नाचने लग गए हैं। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है।
मुझे लगता है कि अब नाटी का प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो अब हम जाएंगे गांव की ओर। गांव के मेले में बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं आते हैं, बस इतने से ही आते हैं। तो छाया भी बोल रही है कि मुझे भी खिलौने लेने हैं, मैं इसे थोड़ा आगे जाकर घुमाकर लाती हूँ। वहाँ पर दिखाई दे रहा है बिजली महादेव और ये है जनाहल गांव, और वहाँ पर लगा हुआ है मंदिर के पास मेला। गांव के मेले ऐसे ही होते हैं। वहाँ पर देखो कितना घना जंगल है। पर लगे हुए हैं दिवाली के लिए बहुत सारे फूल, शायद से इन्होंने बीज रखे हैं साइड साइड में, खेतों के बीच में नहीं साइड में। और यहाँ पर लगी हुई है स्क्वैश की सब्जी पूरे खेत में वहाँ एंड तक। मंदिर से आते आते हमें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वहाँ पर अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोग्राम शुरू होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। फिलहाल तो ये लोग सिस्टम को चेक कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद पता नहीं कब प्रोग्राम शुरू होगा। फिलहाल हम यहाँ गांव के एक घर में रुके हुए हैं, तो बाद में जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो तब जाएंगे हम वहाँ पर देखने। बाहर बहुत ठंडा था तो हम आ गए हैं अंदर तंदूर सेकने। यहाँ पर चला हुआ है मासी जी का बामनू का कॉम्पिटिशन, तो सुनते हैं मासी जी का बामनू। इनका कंपटीशन तो चलता रहेगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपटीशन चले हुए हैं। देखते हैं बाहर जाकर, तो वहाँ पर भी एक नाटी का प्रोग्राम हो रहा है। स्टेज पर भी प्रोग्राम शुरू हो ही गया है लगभग, फिलहाल तो बच्चों का प्रोग्राम लगा हुआ है। चलो बाहर जाकर देखते हैं। ऊपर आसमान में चांद भी बहुत अच्छा निकला हुआ है, तो नीचे चला हुआ है नाटी का प्रोग्राम। स्टेज पर जाकर भी देखते हैं क्या चला हुआ है।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो टिक पाना मुश्किल है। मैं थोड़ा नीचे जाकर दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा पास जाकर यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। बाहर का प्रोग्राम तो पूरी नाइट चलता ही रहेगा, अब देखते हैं अंदर क्या चला हुआ है। Yeah.
हम जा रहे हैं अब दूसरे वाले घर में सोने के लिए, हम नीचे नहीं ठहरे। तो ये वाला घर है, यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे हमें 15 से 20 मिनट। तो आज की रात हम यहीं पर रुकेंगे, सुबह निकलेंगे हम यहाँ से नीचे की ओर। दूसरी सुबह के बज चुके हैं 8, तो हम लोग निकल गए हैं। अब जाएंगे हम दूसरे वाले घरों में। हम जा रहे हैं पूरे जनाहल गांव के एक एक घर में मेहमानबाजी करने। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार, तो वो भी आ रहे हैं। कुछ उनकी रिश्तेदारी है, कुछ हमारी। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ, नीचे है मुझे लगता है घर, उस घर में जा रहे होंगे। मैं आप लोगों को दूसरी सुबह की गुड मॉर्निंग बोलना भूल ही गई। तो हम लोग यहीं जनाहल गांव में रुके हुए थे, रात को घर नहीं गए। अब देखते हैं शाम तक पहुंचते हैं हम घर की नहीं। गुड मॉर्निंग छाए की तरफ से, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलो सबको। पूरी रात सोए ही नहीं है, ऐसे ही बैठे थे प्रोग्राम देखने। छाए देवी तो सो गई थी पूरी रात, हम लोग बैठे थे ऐसे ही बात करने, डांस करने। यहाँ पर मिल चुकी है हमें गुच्छियाँ, यहाँ जंगल में। तो 3 से 4 दिख रही है मुझे, हम इन्हें निकालेंगे नहीं, हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इतनी सी लेकर हम क्या करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे। तो फ्रेंड हम लोग पहुँच चुके हैं शपाका गांव में, ऊपर से लेकर आए हम जनाहल से। तो अब मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी है, अब हम जाएंगे पहनारा तक पैदल ही। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।